तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 10 वाई एंड कॉस वाई इज इक्वल टू 10 जेड एंड कॉस जेड इज इक्वल टू 10 एक्स देन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू साइन जेड इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो थीटा यहाँ पर अपना 0 to π/2 के बीच में तुम्हें बताना है क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन देखे सो कॉस एक्स इज इक्वल टू 10 वाई दे रखा है। सो अपन को पूरा साइन में कन्वर्ट करना है इस चीज को। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा सेको वाई का होल स्क्वायर -1। एंड इस रिलेशन से देखे सो कॉस वाई इज इक्वल टू 10 जेड दे रखा है। सो यहाँ पे मैं कॉट ऑफ जेड इज इक्वल टू सेको वाई लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे ये मेरे पास कॉट ऑफ जेड का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। और इस 1 को मैं यहाँ पर इधर ले आता हूँ। सो ये 1 cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको कॉस ऑफ जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं कॉस ऑफ जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 cos z का होल स्क्वायर लिखूंगा। सो बेसिकली कॉस ऑफ जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इस रिलेशन से 10 ऑफ x के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो ये वाली चीज यहाँ पर 10 ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 10 ऑफ x का होल स्क्वायर आ जाएगी। एंड अब अपन क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये 1 cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -sin x का होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मैं इसको 2 - sin x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पूरा मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। एंड ये sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 2 sin x का होल स्क्वायर आ जाएगा। sin x के होल स्क्वायर को अपन यहाँ पे कुछ टी मान लेते हैं, तो ये 2 - t इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 1 - 2t आ जाएगा। तो ये 2 - t -40 + 2t² इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो 2t² -60 + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो t² -3t + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो t इज इक्वल टू -b + -√v² -4ac डिवाइडेड बाय 2। सो 3 + -√5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 3 + √5 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, सो ये डिसरिकार्ड हो जाएगा क्योंकि t अपना साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। सो बेसिकली जो साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है अपना, वो यहाँ पर 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जिसको तुम यहाँ पर √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको चेक करें तो 5 + 1 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, जो कि 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2 ही है। और तो यहाँ से साइन ऑफ एक्स अपन यहाँ पर √5 - 1/2 लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अपना जो थीटा है वो बेसिकली 0 to π/2 के बीच में लेना है अपन को। तो उस हिसाब से यहाँ पर अपन को ये यहाँ पर अपन को 2 sin थीटा के इक्वल आएगा। सो कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 times √5 - 1/4। और तुम्हें पता है कि ये साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू होती है। सो यहाँ से कंपेयर करें तो थीटा अपना यहाँ पे 18 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।